रेडी महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जो कुछ ऐसी हवा उड़ाई गई जैसे किसी वर्ग के विरुद्ध यह काम हो रहा है। मैं साफ कह देना चाहती हूँ कि हम किसी के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सब मिलकर चलें, लेकिन जो लोग हमारे देश में थोड़े से धनी हैं या पूंजीपति हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, यह जो कदम हम उठा रहे हैं यह उनके विरुद्ध नहीं है। यह तो जनता के हक में है, और जो चीज़ जनता के हक में है वह उनके हक में भी है। उनको इसी दृष्टि से इस कदम को और भी ज़्यादा तेज़ी से देश में फैलाना चाहिए, उसे देखना चाहिए। जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया, हमारे देश में बड़ी भारी क्रांति आई, लेकिन उसे नम्रता से उन्होंने किया और सबको मिलाकर किया। उन्होंने एक बाहरी राज्य को बदलकर अपने देश में एक स्वतंत्र राज्य को जमाया। यह जो क्रांति हुई वह समाप्त नहीं हुई, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में देश को और समाज को हर समय बदलते रहना है। मुझे दुख है कि कुछ आवाज़ें उठी कि जो कदम हमने उठाए हैं वे शायद कुछ बाहरी शक्ति या बाहरी देश या बाहर की विचारधारा की वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह चीज़ हम यहाँ की जनता के और जो देश में लोकतंत्र के हित में है कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि भारत की जनता के दिल में लोकतंत्र की भावना जमी हुई है। वे कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी तरह की हानि हो या किसी तरह से हमारी स्वतंत्रता पर आँच आए। हम जिस भी रास्ते जा रहे हैं वह सही रास्ता है, भारत के इतिहास से, भारत की संस्कृति से निकला हुआ रास्ता है। हमने इतनी उन्नति की, तब भी क्या कारण है कि कुछ लोगों के मन में अशांति है, असंतोष है? इसी चीज़ की कमी रही, केवल उन्नति या विकास की कमी नहीं, क्योंकि मनुष्य को किसी और चीज़ की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में समय आता है जब उसके दिल में उसके भीतर से एक क्रांति उभर आती है, जब वह अपनी आत्मा को और गहराई से पहचान सकता है, जब वह परिस्थितियों को और सफाई से देख सकता है। ऐसा ही समय भारत में आज आया है और एक नया दरवाज़ा खुला है। जिन लोगों को बंद में रहने की आदत हो गई थी वे उस ठंडी और ताज़ी हवा से कुछ चिंतित हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो घुटन से परेशान हो गए थे। उनको इस तेज़ी से सांस लेने से नई शक्ति मिली और मिलेगी। आधी शताब्दी पूर्व जब रात के अंधेरे में भारत स्वतंत्रता में जागा, उस समय पीड़ित पंडित जी ने कहा था कि हम अपने भविष्य से भेंट को निकल पड़े हैं। आज फिर एक वैसे ही मोड़ पर हम आ पहुँचे हैं। महोदय, हमारे महान नेताओं ने हमारा मार्गदर्शन किया। उनके त्याग और बलिदान के कारण, उनके लंबे वर्षों के काम के कारण भारत की शक्ति, भारत की जनता की शक्ति बढ़ी है। आज जब हम और आप यहाँ संग हैं तो हमें कुछ पीछे भी देखना है और कुछ आगे भी देखना है। हमारा देश एक शानदार देश है, लेकिन इसको अभी बहुत दूर जाना है, और अगर हम अपने नेताओं के दिखाए हुए रास्तों पर, अपने नियमों पर डटे रहेंगे तभी हम इस रास्ते को मजबूती से और तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। हमें इस बात से शर्म और दुख है कि बुद्ध, अकबर और गांधी की शानदार परंपराओं के देश में अभी भी हिंसा और दंगे हों। इतने बड़े देश में यह स्वाभाविक है कि अलग अलग गुटों में मतभेद हो, लेकिन ये सब बातें बैठकर बातचीत से ठीक हो सकती हैं। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसमें सहायता दे, हिंसा को फैलने ना दे, दंगे ना होने दे। आखिर इसका क्या कारण है कि थोड़े से लोग गड़बड़ फैला सकें जबकि अधिकतर जनता शांति प्रिय है? इसी तरह हमारे अल्पसंख्यक, हमारे हरिजन और दूसरे वर्गों के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, जाने गई हैं, देश के साधन नष्ट हुए हैं, और इन सबके साथ देश की शक्ति भी कम हुई है। ये बुरी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी बातें भी होती हैं जैसे आपस में संदेह फैलाना, जो अंदर ही अंदर समाज में घुन जैसा काटने लगता है और नष्ट करता है अंदर से। इन सबसे देश कमज़ोर होता है। आज हम सबको निर्णय करना है कि ऐसी बातों को हम मानेंगे नहीं। इसमें सरकार का कर्तव्य जरूर है, लेकिन उतना ही कर्तव्य राजनीतिक दलों का है, सामाजिक संस्थाओं का है, और हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनका है। इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ और उसमें निर्णय लिए गए जिन पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, और हमें आशा है कि
इस संगठन के द्वारा हम शांति की एक नई भावना सारे देश में फैला सकेंगे। शांति देश के विकास की नींव है। हमने पिछले वर्षों में देश की इस नींव को पक्का किया है। हम धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। सदियों का पिछड़ा हुआ गरीब देश धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढ रहा है, धीरे धीरे अपने पर भरोसा करना सीख रहा है। इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन साथ ही देश के कुछ हिस्सों में अभी भी सूखा पड़ रहा है और कुछ हिस्सों में भयानक बाढ़ आई है। जिन्होंने इसके कारण कष्ट उठाया है उनके साथ हमारी सहानुभूति है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी किस तरह से सहायता हो। जो अच्छी फसलें हुई हैं वह कोई जादू के कारण नहीं हुई और ना ही केवल इस कारण से कि वर्षा अच्छी हुई थी। महोदय, अच्छी फसल इसलिए हुई कि एक कार्यक्रम बना घनी खेती का और दूसरे साधन हमारे किसान भाइयों को मिले। उन्होंने उन साधनों का, अच्छे बीजों का और दूसरे सभी साधनों का अच्छा उपयोग किया जिससे हमारी पैदावार बढ़ी और वे एक प्रकार की क्रांति ही हैं। इस क्रांति से हमारी नींव और मजबूत बनेगी और उस नींव पर हम आगे बढ़ सकेंगे, अपने उद्योग और दूसरे काम भी और तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य समस्याएं भी बढ़ीं। मुझे मालूम है कि इन साधनों का उपयोग केवल वे किसान कर सके हैं जिनके पास सिंचाई का प्रबंध पहले से था, और हमें खुशी है कि उनकी आमदनी बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, जिससे हमें बाहर से अनाज कम मंगाना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ वे किसान जिनकी संख्या देश में अधिक है, जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, इन साधनों का उपयोग नहीं कर सके, इनका लाभ उनको नहीं पहुंच सका। इसलिए इन दोनों सिंचाई वाले सूखी खेती वाले किसानों के बीच का जो अंतर बढ़ा है इसको हमें देखना है और इस संबंध में हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो सूखी खेती वाले हैं कैसे उनके पास शीघ्र सिंचाई और दूसरे साधन पहुंच सकें जिससे वे भी उत्पादन बढ़ा सकें। देश को मजबूत बनाने में, देश को अनाज देने के काम में वे भी भाग ले सकें और अपने जीवन को वह इस तरह से सुधार सकें। खेती के उत्पादन पर हमारे उद्योग भी काफ़ी निर्भर हैं। खेती का उत्पादन अच्छा होने का थोड़ा प्रभाव हमारे उद्योगों पर भी आया है और हमें आशा है कि हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। पिछले वर्ष मैंने आपसे कहा था अंधेरी रात के बाद प्रभात अवश्य आता है और ऐसा ही हुआ। अंधेरे में से अब हम निकल रहे हैं। हमारी सब समस्याएं ठीक नहीं हुई, लेकिन हमें उजाला दिख रहा है और अगर हम उसकी तरफ मजबूती से बढ़ते रहे तो एक नया जीवन अपनी जनता के लिए जल्द बना सकेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे नई मांगें भी खड़ी होती हैं। आजकल बहुत से गुट और संगठन हैं जिन्होंने अपनी मांगें प्रकट की हैं और उनमें से बहुत सी मांगें ठीक भी हैं, उनका पूरा करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी सोचना है, चाहे मजदूर हों, अध्यापक हों या दफ्तर में काम करने वाले हों, कि उनके साथ कुछ संगठन हैं, वे अपनी आवाज़ जोरों से हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारी लाखों करोड़ों की जनता ऐसी भी है जो इनसे भी ज़्यादा गरीब है, जो ना पढ़ी लिखी है और ना उसने कोई विशेष काम सीखा है, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? जब हम कोई भी आवाज़ सुने तो हमको एक दूसरे लोगों को भी इस पर ध्यान देना है। चाहे संगठित रूप से ना पहुंच सकें फिर भी उनकी मांगों की तरफ भी हमारा ध्यान उतना ही जाए। अब हमें उस समय की भी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए जो व्यर्थ गया है और दो वर्ष के सूखे और दो युद्धों के कारण हमारे देश के विकास की गति में जो बाधा आई थी उसे समाप्त करना चाहिए। इस वर्ष प्रकृति हमारे ऊपर दयावान रही है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हमें इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि इस वर्ष जो अच्छी खेती हुई है उसके लिए असंख्य किसानों, वैज्ञानिकों और अफसरों ने मिलकर कितना बड़ा प्रयास किया है। हम यह चाहते हैं कि इस अच्छी फसल के बाद भी अनेक ऐसे ही फसलें हों। विज्ञान में एक कहावत है कि चमत्कार तब होते हैं जब वैज्ञानिक इसके लिए कठोर परिश्रम करते हैं। यदि सदन मुझे अनुमति दे तो मैं वह किस्सा सुनाना चाहूँगी जो मैंने कुछ वर्ष पहले अमेरिका के एक गांव में सुना था।
यह किस्सा एक निग्रो के बारे में है जो अत्यधिक गरीब था और गांव के दान पर पलता था। गांव में ज़मीन का एक बहुत छोटा टुकड़ा था जिसे बेकार समझा जाता था।